आने वाला है चुनावी समर, नेताजी ने दिखाए तेवर, इस बार न रह जाए कोई कसर, 2017 के लिए कस लो कमर। जी हाँ, मौका था लोहिया की 105वीं जयंती का और इस मौके पर मुखिया मुलायम ने फिर अपने कार्यकर्ताओं मंत्रियों को हर बार की तरह नसीहतें दी। 2017 की चिंता दिखी तो चर्चा दूसरे मुद्दों पर भी हुई और फिर एक बार चापलूसों को लगी फटकार। जी हाँ, दरअसल सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को जहां आने वाले वक्त की तैयारियों की बात कही तो वहीं एक बात जो सबको सन्न कर गई वो ये कि कोई है जो नेताजी पर रखता है नजर। इसे 2017 के संग्राम की तैयारी कहें या ढीले हो चुके पेच कसने की कवायद, वैसे भी पिछले 3 सालों से यही तो चल रहा है, संगठन और सरकार आगे आगे, मुखिया मुलायम पीछे पीछे। यही तो होता है हर बार, मंच और माइक सस्ता है, नेताजी नसीहतों की झड़ी लगा देते हैं। एक बार फिर नेताजी ने उतार दी चापलूसी की चादर। देश को बता दिया कौन कौन थे, क्या ऐसे लोग थे जब मैंने पार्टी नहीं बनाई और नई पार्टी बना के साथ में सरकार बना दी, तब चापलूस को भी भरवा नहीं। अब तो चापलूस क्या है, कितने लोगों ने कहा हो गया, कितने बार मेरी बात जब मानने को तैयार नहीं हो, मैंने कितनी बार कहा सभाओं में जब अच्छी बात आ जाए तो केवल ताली पी सकते हो, नारे नहीं लगा सकते। तो मैंने कई बार पूछा है, मामले नहीं गंभीर बात है, बता दें कितने उसने संविधान पढ़ा पार्टी का, बता दें हम बात मिनिस्टर बता दें पार्टी के संविधान। हाँ, इन लोगों को मिनिस्टर तक को मैं दावा करता हूँ कि संविधान नहीं पता पार्टी। खुशी के खुमारी के बीच ना चाहते हुए भी मन की पीड़ा को प्रदर्शित करने के लिए मजबूर हो गए मुखिया मुलायम। कह दिया, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझ पर नजर रखते हैं, उनके दिलों की दिलचस्पी है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कौन कौन मुझसे मिलता है। कहानी किस्सा गोई हुई तो याद अमर सिंह भी आए, लोहिया के शब्दों को धार देते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि जिंदा कौमें यकीनन 5 साल इंतजार नहीं करती, संभल जाओ। डॉक्टर लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, अगर कोई भ्रष्ट सरकार हो जाए, जन विरोधी सरकार हो जाए तो आप इंतजार नहीं करेंगे कि चुनाव आ गए तब देखेंगे, चुनाव से पहले ही कोशिश करो कि ऐसी सरकार को गिरा दो। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब नाराज दिखे नेताजी, हर बार की पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं नसीहत और अनुशासन के पाठ, लेकिन सवाल ये है कि कौन किस पर रख रहा है नजर, आखिर ये नजर नजर का खेल क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो लोहिया जयंती के मौके पर मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से कार्यकर्ताओं नेताओं को नसीहतें दे रहे थे और उन्होंने कहा कि पार्टी में अब चापलूसों की भरमार है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पार्टी का बंटाधार कर दिया है, लोकसभा चुनाव में नेताओं के चलते नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच जो एक बात उन्होंने कही वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि उनके कोई सीआईडी करा रहा है, कुछ लोग हैं पार्टी के भीतर जो उन पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने सीधा इशारा किया और ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि वो लोग कौन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है जो नेताजी पर नजर रख रहा है और क्यों रख रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे, आखिर कौन है जो नेताजी पर नजर रख रहा है और क्यों रख रहा है। कि अभी जिस तरीके से नेताजी का बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था और तमाम सारी खबरें आ रही थी, उसमें जो है कि नेताजी को स्वाइन फ्लू हो गया या इस तरह कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, स्वास्थ्य से इसका क्या मतलब आएंगे, तो इस तरीके की जो खबरें आ रही थी तो हमारा ये अंदाजा है कि नेताजी ने उसी पर टिप्पणी की होगी, इस तरह की लोग उस पर नजर रखे हुए हैं, अन्य विपक्षी पार्टियां उस पर नजर रखे हुए हैं। आपकी अंदाजा, जैन साहब एक मिनट रुक जाओ भैया, आपका अंदाजा 100% गलत है, जो उन्होंने कहा वो मैं रिपीट कर दूं,
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सीआईडी, उनके शब्द रिपीट कर रहा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, उन्होंने जो बोला वही जी जी। हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे, विपक्ष में नहीं, नहीं तो वो विपक्ष बोलते, वो जानते हैं ना विपक्ष और सत्ता पक्ष। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, हमारी सीआईडी करा रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ तक मुलायम सिंह कौन कौन मिलता है और वो किस किस से मिलते हैं इसके पर नजर रख रहे हैं लोग हमारी पार्टी में, ये बोले हैं मुलायम सिंह। ना इसका बीमारी से लेना देना, न विपक्ष से। जैन साहब देखिए अमिताभ जी, जब नेताजी ने उस चीज को जो है ओपन नहीं किया उस चीज को कि कौन है क्या है, तो हम लोग तो एक कार्यकर्ता है। अरे तो गलत अंदाज तो मत बताओ फिर, आप जनता को, जब आप कार्यकर्ता हो आप बता दिए कि स्वाइन फ्लू पर बोल रहे थे नेताजी, बताओ हमने ये नहीं कहा कि ये है, ये मतलब सीधे स्पष्ट है, मतलब हमने ये नहीं कहा अमिताभ जी, हमने एक अपना अंदाजा बताया कि ये चीज हो सकती है, इसलिए नेताजी का ये हो सकता है। हिलाल भाई, हिलाल भाई ठीक है, हिलाल भाई बेहतर तो माननीय नेताजी ही जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत बेहतर बाकी लोग भी बोले तो पार्टी बेहतर हो जाए, उनकी यही तो पीड़ा है कि ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं आता लोगों को पार्टी में, यही तो वो कह रहे थे अभी अभी सुन तो रहे थे ना आप, वो कह रहे ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं आता, ताली भी नहीं बजा पाते है ये कह रहे थे, अब वो कह रहे थे घंटाधार कर दिया लोकसभा में, इसे ना तो क्योंकि जो कुछ करे माननीय नेताजी करे, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, अरे आप लोग संघर्ष करो नेताजी को साथ रखो, ये क्यों नहीं कहते हैं? इस अवस्था में वो संघर्ष करे और आप लोग साथ रहेंगे बस, हम लोग हर तरीके संघर्ष कर रहे हैं। तो मुझे मत बताओ जैन साहब, मुलायम सिंह जी को समझाओ जिन्होंने कहा कि घंटाधार कर दिया चापलूसों ने पार्टी में, मुझे समझने की जरूरत थोड़ी ना भाई, आपको समझने की जरूरत है पार्टी को। हिलाल लखवी जी आएंगे आप, उनका अधिकार है ये। अरे भाई मैं इस पर कहां बहस कर रहा, अधिकार नहीं है, लेकिन जो वो बोलेंगे उस पर तो चर्चा होगी ना देश में, अधिकार पर कोई चुनौती नहीं दे रहा, अधिकार तो है। हिलाल भाई बाकी चीजें इंट्रा पार्टी अफेयर्स में आ जाएंगी, आंतरिक पार्टी मसले ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर रूलिंग पार्टी का चेयरपर्सन ये कहे, अध्यक्ष ये कहे कि मेरी जासूसी करा रहे हैं लोग, पार्टी के लोग मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं, मेरे से मिलने जुलने वालों पर नजर रख रहे हैं, ये मसला गंभीर है कि नहीं है हिलाल भाई? जी जी अमिताभ भाई, अमिताभ भाई अगर मुलायम सिंह यादव जी की जो पूरा उन्होंने स्पीच दी है उसको हम देखें तो उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है या उसके दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि नेताजी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पार्टी चल रही है, जिस तरह से सरकार चल रही है, आने वाले 2017 में जनता को उसका साथ नहीं मिलना है, इस चीज को वो लगातार चिताते रहे, लगातार बताते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पहला इसका महत्वपूर्ण बात है। दूसरे इसके अंदर जो महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आती है वो ये कि जो उन्होंने कहा कि हमारे पर नजर रख रहे हैं कौन कौन हमसे मिलता है कौन कौन हमसे नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से, और इसी के साथ भी उन्होंने अमर सिंह साहब का भी जिक्र किया था कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि चापलूसों से होशियार रहिए, तो शायद हमको लगता है कहीं ना कहीं उनका जो है वो इशारा वो इस तरह था कि वो किसको पार्टी में लेंगे किसको नहीं लेंगे, इसके ऊपर जो लोग नजर रखे हुए हैं उनको उन्होंने चिताया था कि वो जिसको चाहेंगे पार्टी में लेंगे जिसको चाहेंगे पार्टी में नहीं लेंगे, उनके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता नहीं है। मुलायम सिंह यादव साहब ने उसको बंद अल्फाजों में ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों को ये चेतावनी प्रदान की। ठीक है, देखिए यहां के पास एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है अमिताभ भाई, जो इस वक्त मुलायम सिंह यादव साहब बार बार आकर के कहते हैं और उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना पार्टी में देखने को मिलता है ना सरकार में देखने को मिलता है, तो ये बात जो है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नेताजी की पकड़ भी पार्टी के ऊपर से कमजोर होती चली जा रही है, जिसकी वजह से वो लगातार लोकसभा को लेकर के उसकी पीड़ा को बताते रहते हैं और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं इस बात को भी अपनी पार्टी के लोगों को और सरकार को होशियार कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, जनता पलट देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। जैन साहब अभी नहीं, सबसे बात कर ले विजय भाई, मैं उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या कहा मैं उस पर बहस नहीं लेके आया। एक अध्यक्ष अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही कहेगा भाई तैयारी करो अच्छे से मेहनत करो, ये सब सामान्य बातें हैं, इनमें कोई बहुत विश्लेषण करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर अमित शाह ये कहें कि मेरी सरकार मेरी पार्टी के लोग मेरे मूवमेंट पर सर्वनाश बैठाए हुए हैं तो बात गंभीर है कि नहीं? वैसे ही नेताजी जब ये कह रहे हैं कि मैं किससे मिलता हूं और कौन मुझसे मिलता है इसकी सीआईडी करा रहे हैं पार्टी के लोग,
तो मामला गंभीर बनता है क्या? अमिताभ जी, मामला बहुत ही गंभीर है। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, किस चर्चा चूंकि आधे घंटे की है इसलिए किस तरह फिर ले जाएंगे इसको, आप आखिर में अभी करेंगे कंक्लूड करेंगे तो आप उसको बताइएगा। लेकिन एक, मुलायम सिंह ने क्या क्या कहा और जो बातें सवाल वो पहले दिन से उठा रहे हैं, आपको स्मरण होगा अभी 23 मार्च बीता है, जिस दिन सरकार में पार्टी आई थी उसकी ठीक 15 तारीख को सफल ग्रहण हुई 23 मार्च को लोहिया जयंती पर, उसके तब भी कहा, तब से लेके आज तक जो आपका प्रोग्राम बना उसमें कई बातें कही गई हैं, उनकी नसीहतें भी हैं। अगर मुलायम सिंह जी ये कहते हैं तो उनके मंत्री मौज मस्ती में हैं, कल भी फिर उन्होंने कहा, और जब आप ध्यान दीजिए जब उनकी ये बाइक चल रही थी जैसे उन्होंने मंत्रियों पर ये बात कही उनके कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई, तो आप ये समझिए कि ताप क्या है। मुलायम सिंह जी कोई बात कर रहे हैं उसको आप इतने हल्के ढंग में लेंगे, मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि आप जानते हैं कि सारी चीजें क्या है, उनको जानकारी है। तो जब उन्होंने कहा तो कार्यकर्ताओं ने ताली बजाई, मैं केवल उस स्थान का जिक्र कर रहा हूं कि नीचे का ताप क्या है वो जानते हैं। जो परस्पर अविश्वास है समाजवादी पार्टी में एक दूसरे के प्रति, अगर मुलायम सिंह की निगरानी हो रही है तो स्वाभाविक है ये चैनलों की भी निगरानी हो रही होगी, ये विपक्ष की भी निगरानी हो रही होगी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख लोगों की भी निगरानी हो रही होगी। अगर कार्यकर्ता अनुशासित नहीं है तो सवाल वो किस पर उठा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, और अगर अध्यक्ष अपनी इकाई का अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित नहीं कर पा रहा है, चापलूसों को बढ़ावा दे रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? आखिर सारी सत्ता तो सफाई कुनबे में है, और अगर चापलूसों को बढ़ावा कौन देगा? केसी जैन तो कुछ लाभ हानि भी नहीं कर सकते स्थिति में, तो ये तो बढ़ावा नहीं दे पाएंगे, बढ़ावा देगा वही कुनबा। तो सवाल किस पर है? अगर मुख्यमंत्री के रूप में जब नेताजी मुलायम सिंह जी बोलते हैं तो कहते हैं साहब मंत्री मौज मस्ती में है, मंत्रियों पर कार्रवाई करें अखिलेश नहीं होती है, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात करते नहीं होती है, तो सवाल किस पर? ठीक बात, ठीक है जैन साहब, दो सवाल सामने आए हिलाल नकवी जी की बात और विजय बहादुर पाठक जी की बात से। पहला सवाल, बहुत संक्षिप्त सवाल, सीधा उत्तर आना चाहिए, क्या मुलायम सिंह जी की निगरानी हो रही है? एक दूसरा प्रश्न जो उठा वो ये कि मंत्री मौज मस्ती कर रहे हैं, मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी बोल चुके, भ्रष्टाचार शब्द भी इस्तेमाल कर चुके कि मंत्री लूट खसोट में लगे, ये भी बोल चुके शब्द, अनुशासनहीन हो गई पार्टी, बंटा ढार कर दिया, तो सवाल किस पर उठाया जा रहा है? ये दो सवाल हैं, इनका उत्तर जैन साहब। देखिए अमिताभ जी, जो चीज आपने पहली उठाई कि जो नेताजी की मॉनिटरिंग हो रही है उनको वाच किया जा रहा है, तो हमारी जहां तक समझ में आ रहा था उसको हिलाल जी ने और अच्छे से उसको बताया कि कुछ पार्टी में कौन नए लोग आएंगे कौन बाहर जाएंगे इसका निर्णय माननीय नेताजी लेंगे, किसी के जो है हस्ताक्षेप से कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज जो बताइए आपने अनुशासन वाली, मैंने मुझे तो हिलाल नकवी जी का ऑब्जर्वेशन था, मेरा नहीं था, मैंने सवाल पूछा क्या वो निगरानी के अंदर है, ये पूछा, इसका उत्तर हाँ या ना मैं आप दे देते, बात आगे बढ़ती। हिलाल जी ने क्या कहा, हिलाल जी का विषय। और जो दूसरे प्रश्न आपने पूछा कि अनुशासन की बात जो आपने की, तो अनुशासन समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया जी, नहीं मैंने केवल अनुशासन की बात नहीं की, कार्यकर्ता अनुशासन उद्दंड, मंत्री मौज मस्ती में और लूट खसोट में, दो बातें हैं, दोनों बातें कही मैंने, जो उन्होंने बोला मुलायम सिंह जी ने वो कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा। देखिए अमिताभ जी, कि कम से कम समाजवादी पार्टी में ये स्थिति तो है कि अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके मुखिया खुले मन से चीज को कहते हैं जाइए, आप कहीं पे गवाह है तो बस आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी देख लीजिए, जैन साहब ये क्या बोल करके आए भैया, नहीं बोले उनके मुखिया जैन साहब, नेताजी कम से कम इतना शासन बनाए और लगातार नसीहत देते हैं, जैन साहब सुनते भी है, जैन साहब मुखिया होने के नाते उनको पूरा अधिकार है कि अगर एक बार गलती ना भी हो तब भी उनको डांटने डपटने का अधिकार है। वो जैन साहब आप अपने चक्रव्यूह में खुद फंस जाते हो, है ना, मैं आपको निकलने का रास्ता बता दूं, आगे भी हमेशा काम आएगा। उस बात पर तो किसी ने चर्चे नहीं की कभी जिंदगी में कि उनको अधिकार है कि नहीं है, किसी ने बोला क्या? ऐसा मूर्ख कौन है जो कहे पार्टी अध्यक्ष को अधिकार नहीं, तो किसको अधिकार होगा? ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष को,
उनको अधिकार है, इस पर कहां विवाद कोई कर रहा है? आप भी बार बार इस बात को कह रहे हैं उनको अधिकार है, कोई बहस नहीं हो रही। सवाल यह था भ्रष्टाचार, लूट खसोट, मौज मस्ती, अनुशासनहीनता, जो तमाम विशेषण है, ये किस पर सवाल है उठा रहे हैं वो, ये सवाल था। इसका जवाब न देके आपने बाकी सारी चीजों का जवाब दे दिया। ये किस किसको सुधारना है, ये वो किससे कह रहे हैं, ये मैं समझना चाह रहा था आपसे। आप उस पार्टी के नेता इसलिए नहीं 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 मैं बता रहा हूं आपको, ये बीजेपी से तो नहीं कह रहे ना वो, ना हिलाल लगवी से कह रहे, ये इनसे बोल रहे हैं। ये तो मंत्रियों को सुधार आचरण में सुधार नहीं सकते, ये किससे बोल रहे हैं? ये निर्मल खत्री को बोल रहे हैं, जिन किसको जिन बोल रहे हैं के लिए, ये राजबब्बर को बोल रहे हैं। जिस तरीके से माननीय नेता जी ने कहा उसका कारण भी है और उसमें सुधार भी हुआ है। क्या था कि बीच में जो कार्यकर्ता थे उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, वो मुलायम सिंह जी ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा था, वो मंत्री थे वो अपने कार्यों में व्यस्त थे। अच्छा, अब लेकिन साथ में कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं किया जा रहा था और वो चीज आपकी बात आ गई, समस्या धीरे धीरे काफी हद तक समाप्त हुई है। आपकी कार्यकर्ता सुनी जा रही पार्टी में, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आपको जो सत्ता है उसके भी साथ रहना है, उसको भी देखना और नेताजी को भी देखना, इसलिए आपके लिए बोलना बहुत कठिन है। मैं समझता हूँ उस धर्म संकट को, कोई दिक्कत नहीं। विजय पाठक जी, ये पुरानी बात नहीं, उन्होंने कल भी वही बातें कही, इसलिए ये कहना ठीक नहीं। मेरा सवाल, 3 साल से वही बातें वो कह रहे हैं और कल का हमने जो अभी उनके वॉइस चलाई उसमें एक जगह वो ये भी कह रहे कि हमारी बात नहीं मानते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो। आखिर ये बातें, अब मैं सही सेकंड रुक गई, मैं समझना चाह रहा हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एड्रेस कर रहे थे वो, स्वामी प्रसाद मौर्य को, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, निर्मल खत्री को, किसको एड्रेस कर रहे थे? मुलायम सिंह जी, अवता जी, मैंने फिर कहा कि यह नसीहत जिसके लिए थी वह पर्दे के पीछे है और मुलायम सिंह ने खुद कहा कि उनकी जानकारी है कि कौन उनकी निगरानी करा रहा है। जिन सवालों को उठाया उन्होंने वह सवाल सीधे मुख्यमंत्री की तरफ इशारा है और कोई बात नहीं है। उन्होंने एक बड़ी बात भी कही, हम चूंकि केवल समाजवादी पार्टी को गड़गड़े करने से नहीं, आप बोलते हैं तो पूरा प्रदेश सुनता भी है आपको, इसलिए मैं वो भी चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मंत्री घोषणा पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, यह मुलायम सिंह का दर्द है। जहां वो अखिलेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं वहां अपने मंत्रियों पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके मंत्री घोषणा पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। राजनीतिक दलों में यह जो एक बीमारी आई है, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र हम पढ़ते हैं क्योंकि हर बार जब समाजवादी पार्टी को घेरना पड़ता है तो उस घोषणा पत्र में उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं पूरा हुआ वो निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जब हमला करना होगा तो हिलाल नकवी जी हमारे घोषणा पत्र को पढ़ते हैं और निकालते हैं कि क्या कहा था क्या नहीं हुआ था। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर 3 साल पूरे होने पर सरकार ये दावे करती है कि हम घोषणा पत्र को पूरा कर रहे हैं और मुलायम सिंह ये कह रहे हैं उनके मंत्री घोषणा पत्र ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर विरोध है। और मैं इसको बहुत हल्के ढंग से नहीं लेता, मुलायम सिंह की किसी बात को हल्के ढंग से लिया भी नहीं जाना चाहिए, वो गंभीर हैं। उन्होंने निगरानी की जो बात कही, जो जांच पड़ताल की बात करी, उससे समझा जा सकता है कि सैफई परिवार कितने संकट में। हिलाल नकवी जी, क्या किसी भी आदमी का और खास तौर पर जिसका इतना बड़ा कद हो सार्वजनिक जीवन में देश के, क्या उससे मिलने वालों पर या वो किस किस से मिलता है, दोनों उसके घर जाने वाले और जिनके घर वो जाए उनका उन पर निगरानी रखी जानी कि कोई किसी भी किस्म की प्रथा किसी स्वस्थ लोकतंत्र में स्वीकार की जानी चाहिए? अमिताभ भाई, यहां पर जो आपने प्रश्न किया है इसके उत्तर दो निकल करके आते हैं जी। पहली बात तो यह है कि यह अपने आप में स्वस्थ जनतंत्र नहीं है और निश्चित रूप से किसी के ऊपर भी निगरानी रखना अपने आप में यह जनतंत्र के विरोध में जाता है और विशेष करके तब जबकि कोई वो किसी राजनीतिक दल का नेता हो। और उसके पर और भी ज्यादा इसके पर एक प्रश्न उठ जाता है जब उसके अपने दल के नेता उस पर निगरानी रख रहे हों। इसका जो दूसरा प्रश्न है जो जिसकी की चिंता समाजवादी पार्टी को ज्यादा होना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जी के पर निगरानी रखने की हैसियत किसकी है, सफाई कुंभे के अलावा उनके ऊपर निगरानी रखने की क्या किसी की हैसियत है? कहीं उन्होंने इस अपनी भाषा में जो ये बात कही है ये उन्हीं लोगों को तो ही चेतावनी दी कि जो तुम लोग कर रहे हो वो हमारी समझ में आ रहा है? वो मंत्रियों को जब कहते हैं कि भ्रष्ट हो गए हैं काम नहीं कर रहे हैं तो वो नाम क्यों नहीं लेते हैं? किसका दबाव है उनके ऊपर कि वो उन मंत्रियों का नाम लेकर के क्यों नहीं अखिलेश यादव जी से कहते हैं कि आप इनको बाहर कीजिए, ये मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं?
प्राइवेटली कहें या पब्लिकली कहें, वो उनका अपना सोचने का ढंग है, लेकिन वो कह सकते हैं। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी जो हैं, वो उनका इशारा अपने सफाई कुंभे के ऊपर है, क्योंकि उनके ऊपर निगरानी उसके अलावा रखने की ना किसी के पास हैसियत है और ना ही कोई करने की जरूरत कर सकता है। जैन साहब, एक सवाल मेरे जहन में है जी, बहुत ईमानदारी का सवाल है, ईमानदारी जवाब दीजिएगा। वो मत स्टीरियोटाइप रिकॉर्ड मत बता शुरू कर देगा, माननीय नेताजी ने ये बोला ना, क्या अब वो समय आ गया है? क्योंकि 3 साल हो गए, बचे हैं कुल बचे हैं 2 साल, लेकिन मैं मानता हूं बचा है 1.5 साल, आखिरी के 6 महीने तो फिर चुनाव ही चुनाव दिखता है, भागा दौड़ी लखनऊ में रहने नहीं हो पाता है आखिरी 6 महीने में तो किसी का। क्या वो समय आ गया है कि अब नेताजी अभी तक जो बातें बिना नाम के कह रहे थे वो नाम लेके बोले? जैन साहब, बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए काफी आप देखिए पार्टी में जब कई बार फेरबदल किया गया तो उस पर भी आपने सो रखा और बहुत बेपाकी से जो है सब लोगों ने अपनी राय रखी। जैन साहब याद दिला दो हम लोगों को भी, कितनी मतलब फेरबदल किया गया है, हमारे याददाश्त धोखा दे रही है। नहीं नहीं, फेरबदल जो हम अपने संगठन की बात कर रहे हैं, आपके संगठन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा फेरबदल संगठन में, और उसमें आप देखिए जो राजनीति थे उसमें तमाम जगह पे उसमें संशोधन किया गया, फेरबदल हुआ तमाम जगह पे उसमें संशोधन किया गया, जो राज्य मंत्री वगैरह थे उनमें कहीं पे कुछ चीजें ऐसी थी जो कि पार्टी के हित में नहीं थी, उसको जैन साहब थोड़ा मेरे जैसे जैन साहब मेरे जैसे गरीब आदमी थोड़ा रहम करिए। मेरा सवाल दर्जा प्राप्त और ये चुंगी के अध्यक्षों पर नहीं था, मेरा निवेदन से एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड। जब वो मंत्री शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कम मंत्रिमंडल के सदस्य, और अगर वो कहते हैं ये भ्रष्ट है ये फला है ढिका जो भी वो कहते हैं। अब मैंने सवाल निवेदन इतना सा किया, क्या वो समय आ गया है कि अब वो बिना नाम के संबोधन की बजाय नाम ले दे कि रामलाल श्यामलाल मोतीलाल हीरालाल ये लोग, क्या वो समय आ गया? ये मैं सुनना चाहता हूं। आप सुन तो लीजिए जी भैया। देखिए जहां पर भी जो आवश्यकता होगी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के मुखिया हैं, पार्टी के वो मुखिया हैं, जहां पे जो आवश्यकता होगी उनको पूरा अधिकार है और वो अपना दिशा निर्देश जारी करेंगे। ठीक है जैन साहब, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है, ये जो निगरानी रखी जा रही है उससे 2 स्थितियां बनती हैं, या तो ये कि अब पार्टी को और सरकार को मुलायम सिंह यादव पर विश्वास नहीं रहा है, या फिर अंदर खाने चाहे सरकार में या फिर पार्टी के भीतर उनके खिलाफ साजिश हो रही है, ये तो आप मानते हैं? नहीं नहीं, देखिए हमारे हमने बताया ना, मुखिया जी सर्वोच्च है और उनके खिलाफ कोई साजिश का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टी के मुखिया है और शुरू से लेकर जो पार्टी आज यहाँ तक पहुंची है, बहुमत की सरकार आई है, तो ये माननीय नेताजी की देन है कि आज यहाँ तक जो है पार्टी पहुंची है, उनके खून पसीने से सींची गई पार्टी है, तो उनके ऊपर अभी पार्टी में कोई नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव को उन तमाम लोगों के नाम बताने से कोई किराया कस रहा है या वो नहीं है? जैन साहब आपकी बात आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं जैन साहब की सारी बात बहुत गौर से सुना, हिलाल भाई क्या बोले, विजय भाई क्या बोले, वो तो स्वाभाविक था, मुझे अंदाजी था क्या बोलेंगे, लेकिन ये मैं नहीं समझ पा रहा था कि जैन साहब क्या बोलेंगे। को बड़ छोट कहत अपराधु, जिन लोगों के बीच का मसला था उनमें किसके तरफ खड़े हो जाए आदमी समाजवादी पार्टी में जिसको काम करना है, ये भी संकट का सवाल है, क्योंकि वहां तो अंतःपुर बड़ा विचित्र हो चला। मैं जैन साहब से एक निवेदन जरूर करूंगा, उनकी सर्वोच्चता उनके अधिकार पर क्यों समय खराब करते हैं हम लोग बहस में आकर, वो तो अनडिस्प्यूटेड है ही, लेकिन इसलिए तो सवाल उठता जो सर्वोच्च है, जिसको आप कहते हो कि हमारे पिता हैं, गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, वो आदमी मंच पर माइक पर बोल रहा है कि मेरी बात नहीं सुनते तुम लोग, यहां तो पीड़ा है, इसी पर तो चर्चा है, इस पर कोई चर्चा कौन लेके आएगा? वो मूर्ख है कि इस पर चर्चा लेके आएगा कि समाजवादी पार्टी में प्रोटोकॉल में नंबर 1 कौन है, इस पर कोई चर्चा लेके आएगा क्या? कांग्रेस में नंबर 1 कौन है, इस पर कोई चर्चा करेगा मूर्ख? बीजेपी में नंबर 1 कौन है, इस पर कोई चर्चा होगी? वेबसाइट पर दिया हुआ है, गूगल में दिया हुआ है, इस पर कैसे समय खराब करे? लेकिन अगर वो इतना बड़ा आदमी ये कह रहा है तो उत्तर तो बनता है। जो बात आपने कही जैन साहब,
कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। वही बात पार्टी के बड़े मंच से एक वक्तव्य के तौर पर क्यों नहीं जारी कर दी गई कि ये जो बात कही गई है निगरानी वाली ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बात आ जाती, इसमें कोई समस्या तो थी नहीं। चार लाइन टाइप करनी थी कंप्यूटर पे, एसआरएस कर देते कार्यालय में जो रहते हैं आपके एसआरएस यादव कर देते ना, चार लाइन के बाद खत्म हो जाती ना। कोई ऐसा बड़ा इशू जब आता है तो पार्टी एक लाइन लेती ही ना। कांग्रेस में जनार्दन द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में एक बात कह दी तो सोनिया गांधी ने चार लाइन में उसका वो कर दिया कि कांग्रेस का मंतव्य नहीं है, जनार्दन द्विवेदी की राय है। होता है, हर पार्टी में होता है। जो बात आप यहां कह रहे हो क्या यह बात बड़े फोरम से कही जाएगी, एक। और दूसरा मैं कहूंगा जो बातें जिसकी ओर विजय पाठक जी ने इशारा किया, मुलायम सिंह जी ने बुनियादी बात बताई भी उठाई है जो हर पार्टी पर लागू है और सबको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा पार्टी का संविधान नहीं पढ़ते लोग, कैसे जानेंगे। लोहिया पर जो किताब जिसका विमोचन किया, मालूम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जितने लोग राजनीति करना चाह रहे हो हमारी पार्टी में ये किताब खरीद के पढ़ो, और जब नहीं तो टिकट मांगने आओगे तो इसी किताब सवाल पूछूंगा। पढ़ना दर्शन पार्टी की रीति नीति, पार्टी के फाउंडर्स के बारे में समझ, और पार्टी का संविधान और पार्टी का घोषणा पत्र, इसकी जगह ले ली गणेश परिक्रमा ने, इसकी जगह ले ली चाटुकारिता ने, इसकी जगह ले ली जोड़ तोड़ और प्रपंच ने, इस पर भी उन्होंने उंगली उठाई है। घर का बुजुर्ग बोल रहा है उसकी बात को गौर से समाजवादी पार्टी तो सुने ही, मैं कहता हूं सारी पार्टियां सुने, चाटुकारिता हर पार्टी को खाई जा रही है। पार्टी की रीति नीति पता नहीं श्यामा प्रसाद कौन थे, पता नहीं दीनदयाल कौन थे, पता नहीं गांधी कौन थे, पता नहीं जवाहरलाल का दर्शन क्या था, पता नहीं कांग्रेस में बड़े पद पर भाजपा में बड़े पद पर फुले क्या थे, पता नहीं बसपा की जनरल सेक्रेटरी हैं, पता होना चाहिए ना। पार्टी की नीतियां पता होनी चाहिए, पार्टी के आंदोलनों की जानकारी होनी चाहिए। ये एक बात जो उन्होंने कही है इसका मैं स्वागत करूं। राजनीति इतने निचले स्तर पर आके खड़ी हो गई कि आज मुलायम सिंह यादव को ये बात बोलनी पड़ी। मैं चाहूंगा कि राजनीति में आने वाले लोग इस बात का ख्याल रखें, और दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष भी अपनी अपनी पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनवा पाए तो सारी पार्टियों का भला होगा और अंततः लोकतंत्र का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय बहादुर पाठक जी आपका, नकवी साहब आपका, केसी जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।